अच्छे, आप ध्यान से दें तो कहता है, यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं एंगल ए बराबर एंगल बी। चलिए इस प्रश्न को हल हम देखते हैं। देखिए, हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। ए और बी तो न्यून कोण है, यानी ए और बी है, यानी सी हो जाएगा आपका जो 90 डिग्री वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों जो कोण हैं वो न्यून कोण है। देखिए, ऐसे भी याद रखें, किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, जिसका एक कोण समकोण हो, उसके बाकी दो एंगल जो होते हैं वो न्यून कोण ही होते हैं। बस हमको उसको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न के हिसाब से सबसे पहले लिखते हैं दिया है, ठीक है। प्रश्न जो दिया है उसके हिसाब से लिखते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। देखिए, कॉस यानी बी बटा एच होता है, ठीक है। इधर के लिए भी बी बटा एच, बस हमें एंगल के हिसाब से देखना है। इसमें एंगल ए के हिसाब से कहता है, इसमें एंगल बी के हिसाब से कहता है, ठीक है। अब देखिए, एंगल ए के हिसाब से देखें तो इसके लिए ये सामने इसका लंब होगा, ठीक है। ये इसके लिए लंब, ये आपका ये आधार हो जाएगा, ये तो आपका कर्ण रहेगा ही। तो चलिए, बी बटा एच, इसके लिए बी यानी ए सी बटा कर्ण यानी ए बी, ठीक है। इधर के हिसाब से देखें तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है, ये आपका आधार, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण यानी बी सी बटा ए बी। अब देखिए, इधर भी ए बी, नीचे भी ए बी, तो जानती है खड़ी जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, ए सी बराबर बी सी। तो एक चीज आपको नोट में याद रखना है, ठीक है, त्रिभुज में, ठीक है, दो आसन्न भुजाएं, दो आसन्न भुजाएं यदि आपस में बराबर हो, ठीक है, यदि आपस में बराबर हो तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आप ए सी के लिए कोण हो जाएगा इसके सामने एंगल बी, ठीक है, और इसके लिए हम देखें तो एंगल ए, ठीक है। आप इसी को सजा के लिखे तो एंगल ए बराबर एंगल बी, जो हमारे पृष्ठ में दिया है, यही तो हमें प्रूव्ड करना था, ठीक है। यदि अभी भी आपको फॉर्मूला लंबट आधार, ये सब फॉर्मूला, या फिर आपका इधर वाला जो फॉर्मूला है आपका साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट वाला, तो देखिए हमने एक फॉर्म, एक बेसिक फॉर्मूला है याद करने का, ठीक है, उसको ध्यान दीजिए आप। देखिए, फॉर्मूला है लाल बटा कक्का, ठीक है, यानी एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ठीक है। तो देखिए, साइन से देखें तो लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटा आधार, इसी को आप उल्टा कर दे, कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब, सेक के लिए कर्ण बटा आधार, कॉट के लिए आधार बटा लंब। इस प्रकार आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए देखिए प्रश्न को, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, याद रखिए, इस प्रश्न में एक गलत दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कॉस नहीं बल्कि यहाँ पर कॉट थीटा है, ठीक है। ये प्रश्न में आप लोग सुधार कर लेंगे, क्योंकि यदि आप कॉस थीटा आप मान निकालेंगे तो आपके आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब देखिए, कॉट थीटा बराबर 7/8, ये 7 आपका आधार है, ठीक है, ये आपका लंब है, लेकिन देखिए इस प्रश्न में कर्ण का वैल्यू पता ही नहीं, यानी एच का वैल्यू आपको मालूम नहीं है। चलिए इसको निकाल लेते हैं, 8 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 + 49 = √113। चलिए, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से देखें। पहला प्रश्न हमारा कहता है 1 + sin θ 1 - sin θ बटा 1 + cos θ (1 - cos θ). अब देखिए, यहाँ आप देखिए, इसको मान लेते ए, इसको मानिए बी, ये भी ए, ये भी बी हो जाएगा आपका। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर फॉर्मूला, नीचे भी जस्ट लाइक वैसा ही निकलेगा, साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे भी जस्ट लाइक वैसा ही दिख रहा है आपको,
ठीक है। अब इसको देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन थीटा का मान निकाल लीजिए आप। साइन थीटा का मान देखिए, साइन का मान देखिए तो पी बटा एच चाहिए, तो पी का वैल्यू आपका यानी लम का वैल्यू 8 दिया है, एच का वैल्यू आपका 100√113 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसमें देखें तो 7√113 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसका मान आप निकालिए तो 64/113 आता है, इसका देखिए तो 49/113 क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। चलिए अब आप इसका मान निकालिए डिटेलिंग से, ठीक है। 113 आएगा तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 49/113, देखिए 113 से 113 खत्म हो जाएगा, तो जो आपका बच गया वो आंसर, देखिए 113 में से 64 गया 49, 113 में से 49 गया आपका 64, यही जो आया आपका वैल्यू है। चलिए इसके लिए एक बार आप ध्यान से देखें, देखिए वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पता, तो हमने इसको तोड़ा, ठीक है। देखिए जो मान आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन का हमने मान निकाल लिया, ठीक है। तो 8 हो गया आपका लंब, नीचे देखिए कर्ण, इसमें देखिए आधार का मान 7 है, कर्ण का मान √113, देखिए स्क्वायर है, बारी बार 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर 113, ऊपर ही जस्ट लाइक 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर 113। हमने फिर LCM निकाला इसका, भिन्न का जोड़ घटाओ जैसे आप बनाते हैं, बस वही आपका करना था, ठीक है। देखिए इसी प्रश्न में एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है। इसी प्रश्न में एक और भी प्रश्न था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। देखिए प्रश्न में शुरू में ही आपका कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, ठीक है। इसीलिए कॉट स्क्वायर थीटा यानी इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दें तो हमारा कहता है यदि 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan²A / 1 + tan²A = cos²A - sin²A है या नहीं। चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, देखिए ऐसा ही प्रश्न हमने बताया था आपको, ठीक है। बराबर 4 दिया है तो cot A = 4, ये देखिए गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। cot यानी होता है आधार बटा लम, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कर्ण हमको पता नहीं है, यानी h का वैल्यू गायब है, तो निकाल लेंगे 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है, 16 + 9 तो √25, इसका वैल्यू कितना गया 5 आ गया, ठीक है। चलिए तो चलिए जो हमारा प्रश्न कहता है देखते हैं, प्रश्न के हिसाब से पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 - tan²A / 1 + tan²A = हमको लाना है cos²A - sin²A। चलिए बारी बारी से सबका मान निकाल निकाल के हम रखते जाएंगे 1 माइनस, ठीक है। tan का वैल्यू, तो tan के वैल्यू के लिए हमें चाहिए P/B, ठीक है, P/B का होल स्क्वायर चाहिए, नीचे में भी P/B का होल स्क्वायर चाहिए, इधर देखें तो B/H का होल स्क्वायर चाहिए, B/H इसके लिए P/H का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, यहाँ देखिए लिख लेते हैं, जो हमारा P का वैल्यू है वो 3 है, B का वैल्यू 4 है, H का वैल्यू 5, ठीक है। तो बाय वैसे रखते हैं 1 - 3/4² / 1 + 3/4² = देखें तो 4/5² माइनस इधर देखें तो 3/5², ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो 1 - 9/16, 1 + 9/16 = 16/25 - 9/25 क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए LCM निकालते हो तो 16 में से 9, नीचे में 16 + 9, ठीक है, 25, ठीक है, बराबर देखिए इधर 25 16 में से 9 गया, ठीक है।
ठीक है, 25 और सॉरी 16 है, 16 से 16 ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इस इधर का वैल्यू 7/25 आता है, 16 में से 9 गया, 7 16 9 25, इधर भी देखें तो वैल्यू आता है 7/25। देखिए जो हमने मान निकाला दोनों का मान बराबर है, तो चलिए लिख देते हैं, इसीलिए 1 - tan² a / 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न के बाद ध्यान से आप देख लें, तो प्रश्न था हमारा 3 cot a = 4। देखिए cot में होता है आधार बटे लंब, यहाँ पर हमारा कर्ण नहीं दिया हुआ था तो कर्ण का वैल्यू हमने निकाला, ठीक है। तो प्रश्न में जो हमसे कहा गया हमने वो किया, ठीक है। प्रश्न को आप ध्यान से देखें, तो 1 - tan² a / 1 + tan² a था, तो p/b होता है tan में, cos में b/h p/h, देखिए p का वैल्यू दिया हुआ था, b का h का वैल्यू, तो बारी बारी से हमने सबको रखा और देखा कि मान क्या आता है, दोनों का 7/25 आता है, इसलिए ठीक है यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप ध्यान से देखें तो कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालें। चलिए सबसे पहले जो दिया उसके हिसाब से देखते हैं, tan a बराबर 1/√3, यानी ये है p, ये है आपका b, देखिए h का वैल्यू नहीं है तो h का वैल्यू निकाल लेते हैं, √3 + 1 = √ रूट ख़त्म, तो हो जाएगा आपका 3 + 1 = √4, यानी वैल्यू 2 आ गया। अब देख लें तो इसका वैल्यू 2 है, ठीक है। अब देखिए tan a के हिसाब से, ठीक है, लंब यानी इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू √3 है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं, पहला प्रश्न हमारा है, चलिए सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं sin a = ठीक है, sin a यानी p का 1/2, ठीक है, sin c, ठीक है, c के हिसाब से देख लें, c के लिए ये लंब, ठीक है, c से देखें तो ये लंब यानी √3/2, cos a यानी 2 √3/2 हो जाएगा क्योंकि b ये है, cos a के लिए cos c के लिए बेस ये यानी 1/2, चलिए ठीक है, यानी साइन ए साइन सी cos a cos c का वैल्यू आ गया। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं, पहले प्रश्न को देखे तो कहता है sin a (cos c) + cos a (sin c), चलिए साइन ए का वैल्यू 1/2, cos c का वैल्यू है आपका 1/2 प्लस, चलिए cos a का वैल्यू है √3/2 × √3/2, चलिए देखें तो 1/4 + 3/4 इसको जोड़ें तो 1 + 3 यानी 4/4, यानी वैल्यू जो आया आपका 1 आता है, ठीक है। दूसरे प्रश्न को आप ध्यान दें, दूसरा प्रश्न हमारा कहता है cos a (cos c) - sin a (sin c), चलिए cos a का वैल्यू √3/2 × 1/2 - 1/2 × √3/2, ध्यान दें तो आ जाएगा √3/4 - √3/4, देखिए एक प्लस में एक माइनस में काट कर मान 0 आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दिया है प्रश्न में ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR = 25 cm और PQ = 5 cm, ठीक है। तो आपको साइन P, cos P और tan P का वैल्यू निकालना है। चलिए इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल आपको बनाना, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है। देख लेते हैं, ये आपका मान लीजिए P है, ये आपका R है, इसका वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, इसका वैल्यू जोड़ कर यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए ट्रायंगल PQR में, ठीक है,
हमको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले माना पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमको वैल्यू ज्ञात नहीं होती उसको हम एक्स मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा क्यू आर बराबर 25, इसकी वैल्यू एक्स, तो ये उधर जाकर माइनस 1 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके नीचे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। देखिए आपका आधार दिया है लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपकी दी हुई नहीं है। अभी हम बाकी प्रश्न को नहीं देख रहे, जो प्रश्न हमारा दिया है बस उसके हिसाब से हमें पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर देख लें तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख लें पी क्यू का मान आपको 5 का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, पी क्यू या फिर क्यू आर, देखिए यहाँ आर क्यू के बजाय आप क्यू आर ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देख लें तो एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको हल कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, तो एक्स का स्क्वायर माइनस इसका देख लें तो ए माइनस बी, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का। ठीक है, अब देखिए 25 बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 625 माइनस एक्स, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस, प्लस 50x। देखिए एक प्लस में एक्स स्क्वायर, एक माइनस में कट जाएगा, तो 25, ये देखिए ये अंक है ये इधर चलाएगा, 625 बराबर 50x, देखिए 650 बराबर 50x, देखिए 13×65 0 ख़त्म हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आया वो 13 सेंटीमीटर। यानी आप ऊपर प्रश्न में देखें तो हमने पी आर का वैल्यू x माना था। ठीक है, चलिए तो इसीलिए पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर था, तो x का वैल्यू 13 सेंटीमीटर आया। क्यू आर बराबर हमने माना था 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो 25 माइनस 13 बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी अब आप ध्यान दें तो ट्रायंगल में इसकी जो वैल्यू आई है वो 13 आई है, इसकी वैल्यू 12 आई है। चलिए तो आप बारी बारी से प्रश्न में देखें तो हमें ज्ञात करना है इस एंगल से। ठीक है, तो इसके लिए ये लंब, ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है साइन पी का वैल्यू, कॉस पी का वैल्यू, टैन पी का वैल्यू। चलिए तो साइन पी को देखते हैं, तो साइन के अंदर पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना है भाई 12/13। ठीक है, कॉस के लिए हम देखें तो कॉस पी के लिए बी बटा एच, बी का वैल्यू कितना है 5/13। टैन के लिए हम देखें तो टैन पी यानी पी बटा बी, पी का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमें 11 देखें तो बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण आपको बताना है। ठीक है, अब कहता है टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी टैन ए का जो मान होगा क्या वो सदैव 1 से कम होगा। तो देखिए इसका उत्तर असत्य होगा। ठीक है, असत्य का देखिए कारण, यदि हम टैन का वैल्यू इसके पहले वाले प्रश्न में हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो हमने इसका मान निकाला था यदि 12/5 ले लें। ठीक है, 12/5 का मान 2.4 आता है जो कि 1 से बड़ा। ठीक है, तो इसी कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। अब ये कहता है एंगल ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। जी बिल्कुल सत्य हो सकता है। ठीक है, कारण है कि भाई यदि वैल्यू क्या हो, ऐसा हो, ठीक है, यदि कॉस ए का वैल्यू 5/12 आए, ठीक है, 12 आए, तब सेक ए बराबर 12/5 होगा। ठीक है, इसका कारण है। ठीक है, तीसरा कहता है कि कॉस ए एंगल ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त वर्ग, आप ध्यान दें, द
तो कोसेकेंट जो है वो कोसेक का मान है, ठीक है, यानी क्या होगा, असत्य, क्योंकि यह कोसेक का मान है, कोसेक का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, इसी कारण यह मान क्या होगा, असत्य। देखिए इस प्रश्न में हम देखें कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं असत्य, क्योंकि ए एक कोण है, ठीक है, और कोण जो होता है वो गुना नहीं होता बल्कि उसके साथ ही प्रयुक्त होता है। देखिए अगला कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी, ये तो असत्य होगा क्योंकि अलग अलग मान के लिए साइन थीटा का मान बदल सकता है, क्योंकि अलग अलग मान के लिए साइन थीटा का मान अलग अलग होगा, ठीक है। यही था आपका